सरकार से आज कोर्ट ने 21 तारीख तक जवाब मांगा कि आपने क्या कार्रवाई करी है, आप भी जवाब दाखिल करिए और हमें भी समय दिया है 21 तारीख तक की आपको क्यों लगता है कि जो है सीबीआई होनी चाहिए। दोनों पक्षों को 21 तारीख तक जो है कि जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। आपका मेरा ये कहना है कि देखिए आज उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है, उत्तराखंड के देवभूमि के भविष्य का सवाल है, तो अगर राज्य सरकार ईमानदारी से जांच करना चाहती है, युवाओं के साथ न्याय करना चाहती है, मजबूत उत्तराखंड की नींव रखना चाहती है तो फिर सीबीआई से क्यों डर रही है। देखिए इससे पहले देहरादून में 8 तारीख को जो रैली निकाली थी युवाओं ने, आप समझिए युवाओं ने एक अपील करी और हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा, हमारी बहनें, हमारे जो है युवा साथी एकत्रित हो गए बिना संसाधनों के, तो वो आक्रोश दिखाई देता है कि जब 4-5 हजार की भीड़ जो है एक आह्वान पर युवाओं इकट्ठा हो गई, उसके बाद हल्द्वानी में जो है 14 तारीख को खुद युवाओं ने आह्वान किया है, किसी राजनीतिक दल या किसी का कोई उसमें इंटरफेयर नहीं है, सिर्फ वो युवा हैं जो रोजगार के लिए तैयारी कर रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी मेहनत जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई।